और आज हम आपको लेके जा रहे हैं यहाँ की लोकल मीट मार्केट में। तो यहाँ तीन एरिया है रुकने के लिए। और ये लेडीज डिपार्टमेंट तो नहीं ना इंडिया की तरह? ये जिंदा वाला कच्चे वाला, देख के कुछ अजीब लग रहा है। बिल्ली भी बिकती है और शायद डॉग भी। जिंदा है क्या? हेलो यहाँ मछली। हेलो स्वाद। और ये कुछ गोबर गोबर भी बेच रहे हैं, मुर्गे की टांगे। मुर्गे जिंदा है, वहाँ से निकालेंगे उसके सर पे मारेंगे। पहले लग नहीं रही इसकी उम्र के हिसाब से। उसका मुंह उठा लिया, उसने कान पकड़ लिया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाईलैंड। जैसे कि आपको पता भैया, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक के अंदर हम घूम रहे हैं और आज हम आपको लेके जा रहे हैं यहाँ की लोकल मीट मार्केट में। भी मिलनी चाहिए खुली, पता नहीं अभी जा तो रहे हैं और क्या रहने वाला आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है बैंकॉक में, जब से आए ना मौसम बहुत प्यारा। इवन यहाँ पे हमें वियतनाम की तरह दिक्कत नहीं हो रही खाने में, बस पकड़नी पड़ेगी क्योंकि बस टैक्सी या ग्रैब कुछ भी लोगे ना चलेगी रोड पे। प्राइस 3 गुना 4 गुना देने बजाय हम बस से जाना प्रेफर करेंगे। तो भाई जिस साइड हम है ये एरिया पड़ता है रिवर साइड। रिवर साइड यानी ये गंदा नाला कह लो, रिवर कह लो, जो भी कह लो। यहाँ पे अक्सर फ्लोटिंग भी होती है, फ्लोटिंग मार्केट यानी बोट भी चलती है। फिलहाल तो नहीं चल रही, मौसम ऐसे ही है। काफी गहरा भी है भाई, बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके अंदर और मौसम बहुत प्यारा हो गया। और यहाँ पे थाईलैंड में ना जिस साइड हम हैं ये ना एक पुराना टाउन समझ लीजिए। खाओसंग की तरफ हमने ठहरे हुए हैं, कुछ इस तरह के घर हैं यहाँ पे सारे के सारे पुराने स्टाइल के। तो अगर आप बड़ी बिल्डिंग्स देखना चाहते हो तो यहाँ तीन एरिया हैं रुकने के लिए। एक खाओसंग जो कि पार्टी वगैरह लवर के लिए है, यहाँ भी काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह हैं पर जो एरिया थोड़ा पुराना सा है। दूसरा है आपका सुखमित, नाना प्लाजा नाना स्ट्रीट की तरफ, वो एरिया कुछ बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, अच्छा माहौल है। और अगर आप इंडियन हो तो आपके लिए भैया प्रतुनम, वहाँ पे सारी मार्केट्स मॉल्स और सारे इंडियन रेस्टोरेंट और वहाँ मिल जाएंगे। तो ये तीन एरिया है, इन तीन में से एक एरिया आपको अपने हिसाब से गूगल करके सर्च करना और इनमें से एक चीज़ चूज कर लेना। हम जहाँ ठहरे हुए हैं यहाँ पे ना पुराने मंदिर टाइप भी बने हुए हैं, काफ़ी सारे महल है, पैलेस है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हुई। एग्जैक्टली देख लो क्या ही खूबसूरत है। तो बारिश भी आनी शुरू हो गई यार, फटाफट चलते हैं निकलते हैं यार। पर जगह बहुत प्यारी है, मौसम और भी ज़्यादा प्यारा है भाई। बैंकॉक के अंदर ना इस तरह से मंदिर जो है हर जगह बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत नज़र आ जाएंगे आपको यार। हमारे ज़्यादातर ट्रैवल के अंदर कुछ दिन तो ऐसे हैं जहाँ बारिश ने पूरा ही काम खराब करा, उनमें से ये दिन भी एक है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं यार मेट्रो पकड़ने। भाई मेट्रो स्टेशन देखो कितना हेरिटेज स्टाइल का बना रखा है भाई। ये ब्लू लाइन है और काफ़ी डीप है। ये है बेसमेंट वाली। और ये लेडीज डिपार्टमेंट तो नहीं ना इंडिया की तरह, मार पड़ जाए। मिलते हैं अपने स्टेशन पे। फाइनली भैया हम पहुंच चुके हैं थाईलैंड की सबसे फेमस काफ़ी बड़ी होलसेल मार्केट में, जहाँ पे ए टू जेड सामान मिलता है भाई साहब, और आपको दिखाने वाले हैं। और ये मार्केट का नाम क्या था? कलोइंग टोई। ये होलसेल मार्केट और भैया बड़ी मुश्किलों से आए हैं। बाहर जो बारिशों ने हाल कर रखा ना पूछो मत। यहाँ आपको ए टू जेड सामान मिलने वाला, जैसे कि ये देखो ड्राई फिश मिल रही है, ये 20 बाट की और सबसे सस्ता भी है भाई। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी मार्केट की। यहाँ पे सारा सामान मिल रहा है, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं और यहाँ पे मीट मार्केट भी है भाई साहब। मैं भी फर्स्ट टाइम आया इस मार्केट में। चलिए चलते हैं इकट्ठे घूमते हैं। तो भैया यहाँ देख सकते हो ड्रैगन फ्रूट 30 बाट का 1 किलो है भाई, और ये है आपका 35 बाट का। तो ये फिलहाल होलसेल मार्केट है। चावल वावल भी सस्ते हैं यार, 20 बाट किलो। पर फिलहाल हम चावल लेने नहीं आए, हम आपको घुमाने वाले हैं ये मार्केट। काफ़ी बड़ा स्टोर है, काफ़ी बड़ी मार्केट है यार। यहाँ फ्रूट्स भी मिलते हैं, नॉनवेज भी मिलता है, सब कुछ मिलता है भाई। यहाँ पे बड़ी बड़ी परचून की दुकानें भी हैं यहाँ पे और खाने की दुकानें भी हैं यहाँ पे। पर बेसिकली हम जो आए हैं इस स्लैब को क्रॉस करने आए हैं। अब कैसे क्रॉस करके उधर जाएंगे? और अच्छी खासी बड़ी बड़ी ड्राई फिश मिल रही है भाई। ये कौन सी है, ये कौन कौन सी फिशेज है मालूम नहीं, पर यहाँ पे इनका अचार डलता है, क्या डलता है इनको ही पता होगा। ड्राई फिश है पूरी तरह से और ये कुछ अलग अलग तरह से तिल वाली है। मैं प्राइसिंग तो इनसे क्या ही पूछूँ। झींगे ड्राई है, ये लाल मछली ड्राई है, और ये भी व्हाट इज दिस फिश, ऑल इज फिश। और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलने वाली है जो शायद हमने नहीं देखी कभी। ये देखो ये जिंदा वाला कच्चे वाला सारा सी फूड है। झींगे झींगे और झींगे में वैरायटी देखो, 150 बाट, 130 बाट, 140 बाट। बारिश ने हमारी जिंदगी आदि खराब कर दी है। दिस इज पोक, पोक का ही है, इतना बड़ा मांस उसी का ही होता है भाई। 20 बाट के झींगे ये पता नहीं कैसे होते हैं, मैंने खाया नहीं कभी। पर अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो 20 बाट में तो कुछ नहीं होता भाई। ये भी कुछ मिल रहा है, कलेजा है, कलेजी है, क्या है भाई पता नहीं। 10 बाट 20 बाट सारा कच्चा मीट है यार, देख के कुछ अजीब लग रहा है। दिस इज पोक भाई, सारा पोक का है, हर तरह का माल है, अंदर का बाहर का, कलेजी पलेजी, अपने मतलब का तो नहीं है खाने का, आपके दिखाने का बनता है। स्वादी कप, स्वादी कप, ये देखो कितनी बड़ी वाली है। यहाँ सी फूड है, यहाँ पे मुर्गा है और चिकन, यहाँ की जो डक है, और सस्ता भी है, 70 बाट का, 80 बाट का, 95 बाट का भाई, काफ़ी रीजनेबल है यार। ये देखो लेग पीस 80 बाट का यार, भाई अपना घर होता है पक्का खाते यार। ये देखो डक है यार, देख रहे हो
सुनने में आया है यहाँ पे ना बिल्ली भी बिकती है और शायद डॉग भी, देखते हैं। और ये जिंदा मछली है भाई, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है पूरी तरह। इसको कहते हैं शायद संगाड़ा मछली, ये भी जिंदा ही है, जिंदा है, जिंदा है। 100 बाट, 130 बाट की। ओ भाई साहब, मेढक, ये कैसे मेढक है भाई, ये भी जिंदा है? मेरे तो इनको छूने में डर लग रहा है यार। जिंदा है क्या? हेलो, नहीं मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। और मेढक भी खाते हैं भाई, 100 बाट का है। और भी यहाँ पे भयंकर भयंकर चीज़ें मिलती हैं भाई। ये मेरे को सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं भाई, हम कहाँ बनाएंगे? स्वादिकाप, स्वादिकाप यहाँ मछली में। हेलो स्वादिकाप भाई, यहाँ मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं और लोगों को, कुछ लोगों को पता ब्लॉगिंग क्या होती है। देखो भाई, मास्क को रिमूव द मास्क, मास्क तो लगा रखा, दिखेगा क्या? हेलो हेलो स्वादिकाप, स्वादिकाप। और यहाँ पे भी ये अलग अलग तरह के क्रैप्स मिलते हैं। जिंदा है भाई, 350 बाट, और ये छोटे वाले 200 वाट का है भाई। फोटो दिखानी है पर मास्क नहीं हटाना। स्वादी का कोई बुरा नहीं मान रहा मेरी बात का, मैं जगह जगह उनके कस्टमरों के बीच में घुस घुस के आपको ये मार्केट दिखा रहा हूँ। स्वादी का भाई सस्ता मिल रहा है, अगर आपको ये सब खाने का शौक है तो आप यहाँ से ले आके अपने होस्टल वोस्टल में खा सकते हो आराम से यार, ये देख रहे हो। और आगे आगे मीट मार्केट है, इधर भी पूरी मीट मार्केट है। ये छोटी छोटी वाली फिश 60 बाट की भाई साहब, 1 किलो भाई। पोक है, सुअर का मीट है ये जो हम देखने आए हैं। अभी तक हमें भी नहीं दिखा, अभी तक सिर्फ मेढक दिखे हैं। यहाँ देखते हैं किस किस तरह का मांस मिलता है भाई साहब। और ये देखो यहाँ पे कीमा मिल रहा है, हर तरह का कीमा है ये, कीमा कीमा कीमा। अभी अंदर चलते हैं मीट मार्केट में प्रॉपर, ये भी सारा कीमा है। हेलो स्वादिकाप भाई, लाइन से कीमा बिक रहा है और सस्ता भी है कीमा यार, ये पता नहीं किसका है, समझ रहे हो, मुझे नहीं मालूम। तो भैया यहाँ कट रहे हैं सुअर, सुअर को देखो कैसे काटा जा रहा है, पूरे सुअर को लेके भैया ऑपरेशन हो रहा है भाई। जो नहीं देखते सॉरी उनके लिए, पर पूरा सुअर कट कट हो रहा है। अब देखते हैं और क्या क्या है। सॉरी क्या, तो भैया पूरी बड़ी वाली मीट मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी मीट मार्केट और काफ़ी बड़ा स्टोर है यार, और खाने पीने की दुकानें भी बीच में है यहाँ पे, मीट मार्केट भी बीच में। सॉरी क्या भाई साहब, ये बड़े का कुछ सामान बिक रहा है, ये है क्या मुझे मालूम नहीं है। सॉरी क्या भाई साहब, देख के कुछ अजीब सा हो रहा है भाई साहब, अजीब सा, सच्ची में पहली बार देख रहा हूँ ये सब कुछ। और ये ऊपर की मेरे ख्याल से चर्बी है, खाल है, उनको लेयर वाइज लेयर उतार रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं यार। ये उसकी शायद चेस्ट का हिस्सा है यार, वो देखो लेके जा रहे हैं यार भाई। ये पोक को आधो आध कर रखा है स्वादी का भाई, आधा आधा कर रखा है। एक चीज़ तो है, बड़ी सफाई से काम कर रहे हैं, गंदगी नहीं दिख रही यहाँ पे उस तरह से। अगर इन चीज़ों को देख के कहा जाए तो गंदगी है तो गंदगी नहीं है भाई। भाई अजीब सी कोई चीज़ दिखी है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये क्या है। और ये कुछ गोबर गोबर भी बेच रहे हैं शायद, पता नहीं क्या है यार, व्हाट इज़ दिस भाई, क्या है ये तो मालूम नहीं, कुछ अजीब सा ही दिख रहा है जो भी कुछ है। ये शायद सीधा खाने का है और अलग अलग प्राइस है यार। और यहाँ पे ना सारा कुछ मिक्स है यार, खाने की मार्केट और खाने की दुकानें और मीट मार्केट सब मिक्स है। और काफ़ी बड़ा स्टोर है देखो, ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा। अलग अलग सेक्शन बैठे हुए हैं स्वादी कप, यहाँ सब चिकन है, देख रहे कितनी साफ सुथरी लेडी है और ये चिकन काट रही है स्वादी का। ये लेडीज़ यहाँ ना ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर मर्दों के, क्योंकि लेडीज़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब 100 मर्दों के ऊपर भैया 110 लेडीज़ हैं। और मीट मार्केट सारी बाहर लगी हुई है, सुअर का मांस ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे। मैं जो देखना चाह रहा था वो ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी तक स्वादी का। और ये देखो पोक की थैलियाँ बड़ी बड़ी, ये काटा जा रहा है मुर्गे की टांगे, मुर्गे पूरा यहाँ पे लाइन से ना, क्योंकि सुबह सुबह होलसेल के लिए लोग भी आते हैं लेके जाते हैं भाई। रेडीमेड सामान भी बिकता है पर ये क्या है समझ से बाहर है। हेलो स्वादी का, स्वादी का इंडिया इंडिया, ये एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नाइस। हाँ थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई। देखो लोग बहुत अच्छे हैं नो डाउट, और सब हंस के बात करते हैं। यहाँ आगे फ्रूट वाली साइड, ये लाइन से फ्रूट मार्केट है यार। लड़की हल्की उम्र की है और यहाँ काम कर रही है, व्हाट इज दिस भाई। लड़की है यहाँ पे बहुत मेहनती है और काम ज़्यादा करती है, और देखो लग नहीं रही इसकी उम्र के हिसाब से, पर ये कि इनकी उम्र होती है। और यहाँ पे शायद होता है शादीशुदा बच्चे वाली भी हों, पर ये क्या कर रही है ये तो मुझे मालूम नहीं, अलग अलग कर रही है, शायद चिकन का ही पार्ट है। व्हाट इज़ दिस चिकन, चिकन ओके स्वादी का। तो भाई मैं जो देखने का मूड में था वो सब कुछ दिखा नहीं, और शायद हो सकता है उसका कारण बारिश भी हो भाई। पोक वाली चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, देख लो भर भर के बिक रहा है, हर तरफ मांस, हर तरफ भर भर के बिक रहा है। वो सूअर के कान है 65 बाट के, देख रहे हो इस साइड चिकन है, पर आप कंफ्यूज ही हो जाओगे चिकन कौन सा है और सूअर कौन सा है भाई। बहुत बड़ा एरिया है ये, एक बिल्डिंग सोच रहा था, 1 2 3 4 पीछे वाले, और ऐसे ये रो हैं 4,
सारा ये ना मीट मार्केट है सारा। यहाँ भी लेडीज का ग्रुप काम कर रहा है और कीमा वीमा बनाया जा रहा है। सही है यार, सारा चिकन का है और यहाँ पे वो नहीं है, पोक नहीं है, और उसको तोल तोल के फिर अलग कर रहे हैं। हेलो स्वादी का, ये देखो कीमा कर रहे हैं, उसको अलग पीस में करके अलग अलग थैलियाँ बना के सप्लाई के लिए जा रही है यार। इन्होंने एक चीज़ तो है प्रोफेशनली चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। हमने सुने में आया था कि भैया यहाँ पे डॉग मीट और कैट मीट भी बिकता है भाई, पर अभी तक नहीं दिखा है। हाँ फ्रॉग जरूर दिखे और सांप और केंकड़े बिच्छू ये सब चीज़ें देख रही थी यार, कहाँ बिकती है वो अभी तक दिखी नहीं यार। तो भाई साहब ये मार्केट ना 24 घंटे ओपन रहता है और ये पूरे बैंकॉक की सप्लाई जाती है चिकन की यहाँ से। भाई साहब इतनी बड़ी चिकन मार्केट और सी मार्केट और आपका सुअर मार्केट मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है कमेंट करके बताना भाई साहब। सच्ची में हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हो सकता बैंकॉक से बाहर भी जाती हो, इसीलिए पूरे 24 घंटे तक ये खुला रहता है स्टोर। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, ए टू जेड सामान, यानी ए टू जेड परचून का सामान, अंडे पंडे हर एक चीज़ आपको होल सेल में यहाँ मिलती है। और जो नहीं खाते नॉनवेज उनके लिए भैया सॉरी, भर भर के ट्रक आए हुए हैं, भर भर के भाई साहब भरे हुए हैं। इतना मीट आपने कभी देखा है भाई साहब? शायद अपने यहाँ होता हो, पर यहाँ पोक बहुत शौक से खाया जाता है यार। भाई साहब वो देखो उसका मुंह उठा लिया, उसने कान पकड़ लिया, तो देख रहे हो ले गया भाई ले गया भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज़ कोई मना ही नहीं कर रहा शूट करने के लिए। भाई साहब इतना फ्रेश माल है, देखो ये सांस ले रही है, देख रहे हो ये सांस ले रही है मछली, ये देखो सारी मछलियाँ सांस ले रही है भाई, जिंदा है। वहाँ से निकालेंगे उसके सर पे मारेंगे पहले, फिर उसका सारा छिलटर उतारेंगे। देखो पहले सर पे मारेंगे और उसके बाद उसका उतारेंगे यार, देखने में अच्छा तो नहीं लग रहा पर काम है इनका। भाई कुछ सब्जियाँ तो ऐसी हैं यहाँ जो आज तक देखी नहीं है, ये पता नहीं क्या है भाई, ये सब्जी है क्या है? आप लोगों ने किसी ने देखी तो बताना, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है भाई। तो भैया ये छोटे वाले केकड़े मिल रहे हैं, पता है जिंदा है या मर गए हैं? मर गए हैं, डरी लग रहा है हाथ लगाते हुए। और ये मिल रहे हैं सब्जी की दुकान पे केकड़े। तो भाई मार्केट एक्सप्लोर करते करते हमें मिले हैं एक भाई, पाकिस्तान से हैं पर पैदा यहीं पे बैंकॉक के अंदर हुए हैं। मतलब कितनी उम्र हो गई आपको यहाँ पे फिर? तो अच्छा पाकिस्तान स्टडी के लिए गए थे? लोग पाकिस्तान से स्टडी करने बाहर आते हैं, आप पाकिस्तान स्टडी करने गए? अच्छा पासपोर्ट कहाँ का है? भाई साहब पासपोर्ट यहाँ का है, बहुत वैल्यू है थाईलैंड के पासपोर्ट की। जुबैर नाम है। चलो जी अगर इस मार्केट के अंदर आओ इस भाई से मिलो तो भाई बताना कि वीडियो देख के आयो। घूर घूर के देख रहा है भाई सब ना, आवाजें दे रही हैं बचा लो हमें बचा लो, कहाँ से बचाएं कैसे बचाएं भाई। ऐसा ऐसी सब्जियां, ऐसे ऐसे फ्रूट, ऐसे ऐसे आपको नॉन वेज आइटम देखने को मिलेंगे शायद जो आपने नहीं देखे होंगे। क्या लगता है आपने देखे हैं? नहीं देखे ना तो कमेंट जरूर करना, अगर आपने नहीं देखे और देखे हैं तो कहाँ देखे वो भी कमेंट करना। हमने जो सोच के आया था कि यहाँ पे आपको डॉग मीट या आपको बिल्ली का मीट या सांप बिच्छू वगैरह दिखाएंगे, हाँ वो सब चीज़ें यहाँ देखने को हमें नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है उसकी कोई और मार्केट हो, पता करेंगे और आपको वो भी घुमाएंगे। इस वीडियो को तरह रखते हैं, उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी, लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छी लगी शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। Is everybody in the world blind?